जिंदाबाद जिंदाबाद सुखपाल सिंह यादव जिंदाबाद 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 चौधरी छतपाल सिंह यादव जिंदाबाद 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 जिला अध्यक्ष लाइक मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद 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 राम नरेश मिनी जिंदाबाद 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 शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद 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 चौधरी छतपाल सिंह यादव जिंदाबाद 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 जिला अध्यक्ष लाइक मोहम्मद राम नरेश मिनी जिंदाबाद 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 प्रदेश लोग विदित होंगे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने नेता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में ये महसूस करके कि आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर वर्ग के लोग पूरी तरह से आहत हैं, परेशान हैं, किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। और आपदा की घटना से सारे लोग आपकी नॉलेज में होगी कि लखीमपुर खीरी में आप देख रहे हैं कि आज किसान करीबन आज एक वर्ष से ज़्यादा समय से अपने हकों की लड़ाई के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो जितनी NCR की जो टेरिटरी है उस पर धरना दे रहा लगातार एक वर्ष से, उनको न्याय नहीं मिल रहा। और इस भारत सरकार का वो मंत्री जो गृह विभाग का मंत्री हो, स्टेट मिनिस्टर, और वो वहाँ कुछ दिन पहले ये घोषणा करे और ये कहे कि इन किसानों को हम सबक सिखाएंगे और इनको हम ठीक कर देंगे, और वो घटना इस रूप में परिणत हुई कि वहाँ इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, और उसी मंत्री का बेटा ये कह करके लोगों को ले जाए कि आज चलो मौका है किसानों को ठीक कर दो, और ले जा करके बिना किसी वार्ता के, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी ठोस आधार के, और सीधे सीधे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और किसानों की दर्दनाक मौत वहाँ हो जाना, ये क्या दर्शाता है? ये सरकार के किस टाइप की सरकार? हम कह रहे कोई बड़ा से बड़ा तानाशाह इस टाइप की हरकत नहीं करता। तानाशाह भी थोड़ा बहुत मौका देता है, पूछ तो लेता है कि क्या कारण है, क्या वजह है, ये नहीं ये, लेकिन बिना किसी पूछे बताए उसी दी जाकर की गाड़ी चला दी और मार डाले। वो तो हम कह रहे और आ जाते चपेट में, और आ मारे जाते, हो सकता 100 मारे जाते, 200 मारे जाते। लेकिन इन सारी चीज़ों से जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस सरकार के रहते किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा, इस सरकार ने ना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, 2000 नौजवानों को रोजगार देंगे, कन्या वो आपका 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जनधन के खाते खुलवाए गए भेजेंगे, कहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आज जब कहीं किसी प्रकार से जब महसूस हम लोगों ने किया कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपने नेता के नेतृत्व में इस परिवर्तन की लड़ाई को लड़ेंगे, और हम लोगों ने तय किया कि समूचे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जा करके लोगों को जागरूक करेंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इस सरकार के रहते किसी को कुछ न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, प्रसपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं यूपी की मजबूरी है,
चाचा बहुत जरूरी है, कब तक चाचा और भतीजे का मेल होने वाला है? ये आप इस प्रसंग को आप बहुत जान पता नहीं क्यों सीरियस इतना ले लेते हैं। जी जी, एक चीज समझ लीजिए, हमारे नेता ने हमेशा ये प्रयास किया है कि अकेला सपा का सवाल नहीं है। हम लोगों ने तो यह कहा कि जो जितने भी दल हैं, जो सेकुलर सोच के हैं, जो समान विचारधारा के हैं और ऐसी फासिस्टवादी ताकतों के लड़ने के लिए तैयार हैं, वो सारे के सारे दल एक मंच पर आए और ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को हटाने का काम करें। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा लक्ष्य है और इसी उद्देश्य के तहत हम लोग ये रथ यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। और आपने मुद्दे आप देख नहीं रहे हो, किसी को रोजगार मिल रहा है, किसानों को न्याय मिल रहा है, मजदूर आज बेकारी की वजह से भूखों मर रहा है, कहीं कोई काम हो रहा है? ये मामूली मुद्दे? आज आपके बुंदेलखंड की क्या स्थिति है? आज जानवर सड़कों पे ढिल्ला घूम रहा है, कोई सुनने वाला है? और हम कह रहे 5 साल आज आपको हुए भगवान, एक काम बता दीजिए कि एक काम हुआ हो इस सरकार के रहते। अगर आपके सहयोग से सरकार बनती है तो क्या करेगी महोबा के लिए, खासतौर से महोबा के लिए? हम हमेशा अच्छा सोचते रहे और अच्छा करते रहे और फिर अच्छा करेंगे। जो यहाँ की आप सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की, और पानी के लिए ये तालाब किसने खुदवाए थे? हम ही ने तो खुदवाए थे, हमारे नेता ने ही तो खुदवाए थे। यहाँ कोई सोच सकता है? हम ही लोग सोचेंगे और हम ही लोगों ने किया और हम ही लोग फिर करेंगे, और एक नहीं सारे विकास। आज इस रोड पे आप ध्यान हो, 5 साल में एक गिट्टी का टुकड़ा पड़ गया है। जितनी रोड हम लोग बनवा गए थे उसी तरीके रोड बनी हुई है। और ये आज भले ही ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा, एक्सप्रेस वे बन रहा, ये किसकी देन है? ये इनका प्रपोजल था, ये हमारा प्रपोजल था, हम लोगों का प्रपोजल था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना किसने? फाउंडेशन इसकी रखी थी, हमने रखी थी। इसकी लैंड एक्विजिशन किसने कराई थी? हमने कराई थी। हमने उसका लैंड एक्विजिशन का जो मुआवजा था वो डिस्ट्रीब्यूट किसने किया था? 80% मुआवजे को डिस्ट्रीब्यूट अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया था।